subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to my YouTube channel. और इस वीडियो में हम देखेंगे क्रूड ऑयल एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक. सो लेट्स स्टार्ट विद द मंथली चार्ट. लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्रूड जो है 8605 है, लगभग 218 रुपये के गेन के साथ 2.60 बंद हुआ है. और यहाँ मंथली चार्ट पे देखोगे तो इस मंथ की शुरुआत हमने एक पॉजिटिव नोट पे की है, जो क्लियरली दिखाता है कि यहाँ से जो है तो शायद क्रूड ऑयल जो है ऊपर ही जाने की तैयारी कर रहा है. आप देख रहे हो कि हम जो है तो सुपर बुलिश एनवायरनमेंट में ट्रेड कर रहे हैं. जब तक क्रूड 8100 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है तो वो सुपर बुलिश रहेगा. यहाँ आपको ज़्यादा वोलेटिलिटी और मोस्ट प्रोबेबली ऊपर के लेवल आते हुए देखेंगे. यहाँ लास्ट मंथ में हमने हाई देखा था लगभग 9600 के अराउंड, वहाँ से फिर से लो देखा था हमने 7900 के अराउंड. तो एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल रही है, तो ये ट्रेडर के लिए अच्छी बात है. अगर आप राइट साइड पे हो तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है, क्योंकि आपको बड़े बड़े मूव आते हुए दिखेंगे मार्केट में. वो ऑलरेडी हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देख चुके हैं, 218 रुपये के गेन के साथ क्रूड बंद हुआ था. तो यहाँ जब तक 8100 के ऊपर क्रूड रहेगा, यहाँ मेरा जो व्यू रहेगा वो बुलिश रहेगा लॉन्ग टर्म में. टारगेट 10,000 और 11,500 के आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो इन मीडियम टू लॉन्गर टर्म. 8100 के नीचे जो है तो हम करेक्शन करना शुरू कर देंगे. यहाँ लास्ट मंथ हम 8100 के नीचे गए थे, मगर वहाँ रिजेक्शन आया था और हम जो है तो उसके ऊपर क्लोज हुए हैं. तो उसके वजह से आप देख सकते हो कि मंथ की स्टार्ट ही पॉजिटिव नोट पे हुई है. तो यहाँ ऊपर की तरफ अभी मुझे लगता है कि 9,500 और 10,000 के टारगेट आप देख सकते हो. अभी देखते हैं वीकली चार्ट. तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे कि 20 वीक का जो एवरेज है उसके ऊपर ही हमने सपोर्ट लेकर एक अपसाइड मूव दी है. तो जब तक 8100 इंटैक्ट है तब तक आपको लॉन्ग व्यू रखना है. आपके जो टारगेट रहेंगे 9,500 और उसके बाद में 10,000. अगर क्रूड 8100 के नीचे सस्टेन करता है तो आपको एक डीपर करेक्शन देखने को मिलेगा, जो इसको लेकर जा सकता है लगभग 7,000 और 6,000 के लेवल की तरफ. मगर ये आपको सिर्फ 8100 के नीचे ही देखने को मिलेगा, वो भी वीकली और मंथली क्लोजिंग बेसिस पे. यहाँ करंटली जो है तो हो सकता है कि हम एक कंसोलिडेशन में जाएं, मगर आपको जो है तो 8100 के ऊपर बुलिश व्यू रखना है. टारगेट आपके रहेंगे 9,500 और 10,000 के. अभी देखते हैं डेली चार्ट. तो डेली चार्ट पे आप देखोगे कि क्रूड ऑयल ने लगभग जो 100 डेज का जो एवरेज था वहाँ सपोर्ट लिया और वहाँ से एक बाउंस बैक दिखाया है. और ये जो बाउंस बैक है ये कंटिन्यू हो सकता है शॉर्ट टर्म में. जैसे हम 8700 के ऊपर निकलेंगे आपको जो है तो एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल सकता है क्रूड में, जिसके टारगेट रहेंगे 9,300, 9,600 और उसके बाद में जो है तो 10,300 के टारगेट आप आने वाले सीरीज में एक्सपेक्ट कर सकते हो. नीचे जो है तो 8,100 का सपोर्ट जोन है, तो उसके अराउंड मेरी बाइंग की सलाह रहेगी. स्टॉप लॉस आपको जो है तो उसके नीचे रखना है 200 पॉइंट का, तो 7,800 का स्टॉप लॉस. अगर आपको क्रूड 8,100 के अराउंड मिलता है तो बाई कीजिएगा, 7,800 का स्टॉप लॉस और टारगेट जो है तो 9,300, 9,600 और 10,300 के. या फिर जिन्हें सेफ बाय करना है तो ब्रेकआउट का इंतज़ार कीजिए. 8700 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो लॉन्ग जाना है. आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 8500 के नीचे, टारगेट 9,300, 9,600 और 10,300 इन नेक्स्ट सीरीज. तो आपने यहाँ देखा कि क्योंकि यहाँ जो है तो थोड़ा सा मिक्स एंड मैच सिचुएशन है, तो यहाँ लेवल पे खेलना है आपको क्रूड ऑयल में. अगर जैसे हम 8100 के नीचे जाएंगे वहाँ आपको एक परफेक्ट शॉट या बेरिश ट्रेंड देखने को मिलेगा. जब तक वो 8100 के नीचे नहीं जाता है तब तक मेरा व्यू रहेगा लॉन्ग साइड का, या फिर आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ जो है तो हम ओवरबॉट जोन में सुपर बुलिश जोन में ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ मूवमेंट बहुत बड़ी रहेगी, स्टॉप लॉस इजीली ट्रिगर हो जाएंगे. तो आप वेट एंड वॉच कर सकते हो. अगर 8100 के नीचे ब्रेकडाउन आता है तो ही फिर जो है तो शॉर्ट साइड के ट्रेड आपको
खोजना है। करेंटली मेरा व्यू लॉन्ग रहेगा, मेरी जो टारगेट रहेंगे वो 9300, 9600 और 10300 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और 8700 के ऊपर आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है आने वाले सीरीज में। सो आई होप सो ये जो एनालिसिस है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको श्योर शॉर्ट कमोडिटी कॉल चाहिए तो आप मेरी पेड सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।